चाहूंगी अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में हमें लेकर के जाएं, थोड़ा सा इतिहास में हम जानेंगे कि इंडिया में वास्तु की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि हम इंडिया को ही कहते हैं कि वास्तु तो यहाँ की ही देन है बिल्कुल, जो अब फॉरेन में फैल चुका है। तो थोड़ा सा हमें कुछ किस्से कहानियां बताएं कि इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने करी, हम किसे कहते हैं वास्तु का फादर एंड ऑल, कुछ अगर आप बताएं। ओके सो बिल्कुल सही कहा आपने कि वास्तु की शुरुआत इंडिया में हुई है। ज्योतिष और वास्तु जो है, देखिए चार वेद हैं, है ना, और चार वेद, वेदों के छह फर्दर हिस्से हैं जिनको वेदांग कहा जाता है। वेदांग कहा जाता है, छह हिस्से हैं। तो उन छह हिस्सों में ज्योतिष भी एक वेदांग है। ओके और ज्योतिष और वास्तु जो है वो उसी वेदांग का हिस्सा है, बट दोनों डिफरेंट ही है। डिफरेंट है पर दोनों कनेक्टेड है। राइट, तो ये जो है हमारी एंशियंट इंडियन साइंसेस है। अब इनका ओरिजिन कब हुआ था एग्जैक्टली डेट करना बहुत मुश्किल है, पर जो रफ कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि कम से कम 6000 साल से पहले ये साइंसेस लिखी गई थी। और वास्तु के जो फादर हैं वो विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्मा को कहा जाता है कि जी वो जो है फादर ऑफ वास्तु है। वास्तु का जो रेफरेंस है वो रामायण और महाभारत में भी पाया जाता है। रामायण सॉरी महाभारत में जो है जो द्युत सभा हुई थी जहाँ पे कि पांडव हार गए थे जुए में और जो सब कुछ द्रौपदी के साथ हुआ था वो द्युत सभा में हुआ था। तो देखिए जब वास्तु पहले लिखा गया था तो जो भी पैलेसेस वगैरह जो राजा महाराजाओं के घर बनते थे वो वास्तु के प्रिंसिपल के हिसाब से बनते थे। अच्छा। तो महाभारत में ये इंसिडेंस है कि द्वित सभा में जो जो घर बना था, जो जगह बनी थी, उसको ये कहा गया था, इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ना बनाए। हाँ, ये एक रेफरेंस है। दूसरा रामायण में रेफरेंस, रामायण में जब भगवान राम और लक्ष्मण जो है सीता की खोज में निकल रहे थे तो अंधेरा हो गया था, तो रात में उनको रुकना था। तो लक्ष्मण ने राम से पूछा कि जी ये जगह सही है? तो राम ने इधर उधर देखा, फिर उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नैऋत्य कोण है, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे पहाड़ है, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो ढलान पे है, और वहाँ पे नदी बहती है। तो ये जो है ये बेसिक वास्तु प्रिंसिपल्स हैं। तो उन्होंने कहा ये जगह बिल्कुल सही है रात में हमारे विश्राम करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। इनफैक्ट बुद्धिस्ट की भी कई किताबों में जो है वास्तु का रेफरेंस हमें मिलता है। सो दीज साइंसेस हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। Exactly. जो आपने डायरेक्शन की बात की थी, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इसकी लॉजिक इसकी रीजनिंग पर तो हम जाएंगे, बट बिफोर दैट मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप आसान भाषा में सबको समझा सकें, वास्तु है क्या? ये वास्तु शास्त्र आखिर कैसे वर्क करता है, और क्या वास्तु एक सुपरस्टिशन है या साइंस? देखिए वास्तु सुपरस्टिशन बिल्कुल नहीं है। वास्तु का किसी धर्म से भी कोई कनेक्शन नहीं है। वास्तु हैज नो रिलीजियस एंगल, राइट, और ये कोई शुभ अशुभ की भी साइंस नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं ये कह के कि जी ये चीज हम इस दिशा में रख दें तो शुभ होगा, ये चीज इस दिशा में रख दें तो अशुभ होगा। ऐसा नहीं है, वास्तु के शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वास्तु इज सिंपल, यू नो, सिंपल साइंस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइव एलिमेंट्स, पंच तत्व। हम सब जानते हैं पंच तत्व क्या हैं। हम सब, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे इस दुनिया में कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब जो है वो पंच तत्वों से ही बने हुए हैं। कहते हैं ना आखिरी में पंच तत्व में ही लीन हो जाओगे, तो सब कुछ पंच तत्वों का ही खेल है, और वही वास्तु भी है। तो देखो वास्तु जो है, पंच तत्व क्या है वैसे सबको पता है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी, खास करके जैसे आपने कहा जो यंग जनरेशन है जिनको शायद नहीं इतनी नॉलेज हो, सो टू द यंग जनरेशन दिस इज द लॉजिक विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू। वास्तु जो है वो पंच तत्वों के बेसिस पे वर्क करता है। पंच तत्व है एयर, वॉटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। ये पांच तत्व हैं, जल, पृथ्वी, हवा, आकाश और आग, ये पांच तत्व हैं। इन्हीं का प्ले होता है वास्तु। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वास्तु में वर्क करती है वो है मूवमेंट ऑफ द सन। सन जो है वो ईस्ट में उगता है, वेस्ट में सेट होता है, और साउथ से ट्रेवल करता है। राइट, ये ईस्ट में उगा, साउथ से गया और फिर वेस्ट में डूब गया। देखिए ये मानसी नदन हेमिस्फीयर के लिए अप्लाई होता है। जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो सन का मूवमेंट अलग हो जाता है। सन जो है ईस्ट में उगता है, वेस्ट में सेट होता है और नॉर्थ से ट्रेवल करता है।
पूरा साइंस. यस, इट्स एब्सोल्युटली लॉजिकल एंड साइंस. मैंने देखिए अभी तक कोई आपको अंधविश्वास वाली या वहम वाली कोई बात नहीं बोली है. इसीलिए वास्तु जब हम नदन हेमिस्फीयर में करते हैं, जैसे कि जिसमें कि हमारा पूरा एशिया आ जाता है, यूरोप आ जाता है, इंडिया भी नदन हेमिस्फीयर में आता है, तो वहाँ वास्तु प्रिंसिपल्स डिफरेंट हो जाते हैं. यही आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाइए, आप अफ्रीका में जाइए, इंडोनेशिया है या क्या कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ जो है वास्तु प्रिंसिपल्स अलग हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ सन डिफरेंट हो जाएगा.